आपको याद है जब वो हॉस्पिटल में आया था, आपने उसकी कितनी तारीफ की थी कि बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन आज पता नहीं क्यों आपके दिल में शक और शुबात आ रहे हैं। छोड़ो, मैं खुद आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं उस आलम के वहाँ जा रहा हूँ, उसका पता है तुम्हारे वहाँ, फोन नंबर है उसका। अरे मैं जाकर नसीर साहब आप बैठे यहाँ आराम से। अरे वो बेटी है मेरी, बेटी है मरियम। मुझे ख्याल आ रहे हैं तो अच्छा सपनों के गठरी में रोकी फेंकी नींद रे, नींदरों की मारी को सब है पता। आ जाएगी मरियम, आ जाएगी, आप परेशान मत हो, बस आने वाली है। वो मरियम आ गई शायद। एक मिनट मरियम क्या हुआ? अम्मी दरवाजा बंद कर दे जल्दी से। क्या हुआ है? क्या हुआ है? बता, क्या हुआ है? अरे बता, मेरा दिल पर जो अम्मी वो सर आलम की जरूरत कितनी दूर है हॉस्पिटल? जी बस आने वाले, कुछ नहीं हुआ। हौसला करें नसीर साहब, हौसला करें। डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं? परेशानी की बात तो है, खून तो रुक गया है, लेकिन कितनी देर तक बेहोश रहना खतरनाक साबित हो सकता है, इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। देखा नहीं बचेंगे, मार दिया आपने मिस्टर साहब को। फिलहाल इनको सुबह तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, आप लोग दुआ कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर मिस्टर साहब को कुछ हुआ मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, फांसी पे लगवा दूंगा। पागल हो गए आप, क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है। वो ठीक है, बकवास नहीं कर रहा, लग पता जाएगा तुम लोगों को। आहिस्ता आहिस्ता बोल। मिस्टर साहब जल्दी करो, जल्दी करो, जाग लग गया ना, ईआर में जल्दी जल्दी। आप लोग प्लीज यहीं रुक जाइए। पेशेंट की ड्रेसिंग अच्छी तरह से कर दीजिएगा ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, ठीक है? तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि अब खतरे से बाहर हैं, होश में आ जाएंगे थोड़ी देर। शुक्र,
तो अब भी आप मिनिस्टर साहब के कत्ल के केस में मुझे फांसी लगवाएंगे? देखें, माफ कीजिएगा आलम साहब, लेकिन आप लोगों ने कसर कोई नहीं छोड़ी थी। और सच्ची बात तो ये है कि मैं भी बहुत थक गया था। अगर खुदा ना खास्ता मिनिस्टर साहब को कुछ हो जाता तो आप लोगों के साथ मैं ही फंसता ना। क्यों? क्योंकि मैं ही तो लेके आया था आपके पास उनको। इसलिए खुद को बचाने के लिए आप हमें फंसा रहे थे। शर्मिंदा हूं, माफी मांग रहा हूं, और क्या करूं भाई। नहीं, कोई बात नहीं। अब हमारा आपसे इतना पुराना ताल्लुक है, कुछ भी कहने से पहले वो सोच लिया करें। चलो। I'm sorry. हम उन्हें नहीं बचा सके। डेथ सर्टिफिकेट आपको थोड़ी देर में इशू हो जाए। झूठ बोले ना। मेरे अब्बू को कुछ नहीं हुआ। मिनिस्टर साहब, मैं कल रात वाले वाकये के लिए बहुत माजरत खा हूँ आपसे। ये तो अल्लाह ने करम कर दिया, वरना तुमने तो हमारी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने क्या किया? मुझसे सवाल पूछ रहे हो तुम? ये जब लड़की राजी नहीं थी तो तुमने बताया क्यों नहीं हमें? अरे, आप शायद भूल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि वो शरीफ घराने की लड़की है, जरा देख के जाइएगा। लेकिन ये तो नहीं बताया था कि इतनी शरीफ है कि मेरी जान लेने से भी गुरेज नहीं करेगी। देखो, जब तक मैं उस लड़की से चोट का बदला नहीं लूं, तब तक तुम जहन नशीन कर लो कि तुम्हें हाईवे का टेंडर कभी नहीं मिलेगा। मिस्टर साहब, आप मेरे ऑफिस आइएगा, मेरे पास एक से एक लड़की, मैं कोई और दिखा दूंगा आप। और कोई नहीं, यही यही सिर्फ यही। मैंने अपनी डिमांड तुमको बता दी है, मेरी डिमांड पूरी करोगे तो तुम्हारी डिमांड पूरी होगी। और एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो लड़की की गलती की सजा तुम्हारी कंपनी को भुगतनी पड़ेगी। हाईवे का टेंडर दूर की बात है, लेकिन गवर्नमेंट के किसी मामूली पुल का भी तुम्हें टेंडर हासिल करने नहीं दूंगा। और ये मेरी खाली धमकी नहीं समझना, मैं जो बोलता हूं करके दिखाता हूं। तुम जा सकते हो।